गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बुल रन ट्रेडिंग। भारतीय एयरटेल का एक नया न्यूज़ कवर आया था, तो ये कवर में यही मालूम हो रहा है इसका 5G का जो भी लॉन्च है जनवरी 2022 में होने वाला है, तो उसको ये टेक्निकल जो भी सपोर्ट करने के लिए TCS का पास उसका जो भी डील किया था और स्ट्रैटेजिक जो भी पार्टनरशिप है वो TCS टाटा का साथ इनको टाइप कर दिया है, तो 5G इम्प्लीमेंटेशन का। सो इसका ऑफिशियल का जो भी न्यूज़ है मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसका बाद में फंडामेंटल भी दिखाता हूँ। सो भारत एज पर मिंट जो भी छपा किया था उसमें भारतीय एयरटेल TCS अनाउंस कोलाब्रेशन टू बिल्ड 5G नेटवर्क इन इंडिया। तो भारतीय एयरटेल एंड टाटा ग्रुप टुडे अनाउंस्ड strategic partnership for implementation 5G network solution for India. Airtel will be pilot and develop this integrated solutions as per part of its 5G rollout plan in India and start up pilot in January 2022 as per guidance formulated by the government of India and the company said in the statement. So Tata Group is develop a state of the art O-RAN based radio and NSA and SA core and has integrated a total integration telecom stack. So ये TCS का जो भी नया जो भी वो आ रहा है वो RAN का जो भी सॉफ्टवेयर जैसा ये इसको सपोर्ट देगा TCS वाला। और इसका ये न्यूज़ है ये बहुत इसका पॉजिटिव है। TCS ऑलरेडी बुलिश भारतीय एयरटेल ऑलरेडी बुलिश में है, मगर ये 50 डेज का दो भी 539.34 का ये धीमा फेस कर रहा है इधर 539.34 आज क्लोजिंग भी 539.6 है। सो इसका जो भी है डीमा इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। सो इसका वजह से कंपनी में आगे चेंजेस जो भी होने वाला है ये 530 का ऊपर ही होना है, सॉरी 540 के ऊपर को भी बात हो रहा है तो वही होना है। और 100 डेज का जो भी अबो आपका क्लोजिंग देगा बोले तो 547 का अबो क्लोजिंग देगा तब आपको 600 प्लस का टारगेट मिल जाएगा। सो आपको बुलिश ट्रेंड का जो भी मीडियम टर्म का है वो बेरिश का है। सो अभी तुरंत उसको क्रॉस ओवर करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म का जो भी बुलिश ट्रेंड देखना चाहिए बोले तो आपको 515 का अबो टारगेट इसमें मिलना चाहिए। जब आपको 547 से 570 तक आपको टारगेट मिल जाएगा इसमें। इसमें आपको मैं मोमेंटम का जो भी टेक्निकल चार्ट्स को आपको दिखाया था और ऑफिशियल लेटर भी आज न्यूज़ के बारे में वो भी दिखाता हूँ। डायरेक्ट अनाउंसमेंट किया था NSE का साथ और BSE का साथ ये प्रेस रिलीज कर दिया है। वी आर एनक्लोज हियर ये प्रेस रिलीज डेटेड जून 2021 टाइटल एयरटेल एंड टाटा ग्रुप TCS announced collaboration for media in India 5G issue by the Airtel Limited. इसमें जो भी बात हुआ था दोनों मिलके कोलैबोरेशन का मेड इन इंडिया 5G जो इसका अनाउंसमेंट कर दिया दोनों मिलके है। पहले ऐसा न्यूज़ में आता है उसका बाद में वो गलत है बोल के वो खाली रूमर है बोल के अनाउंसमेंट देता है हर कंपनी, मगर इसमें इमीडिएट दोनों मिलके वो एग्री कर दिया है ये सही है बोल के इमीडिएट कंफर्म कर दिया है। उसके लिए आपको एयरटेल में इन्वेस्ट करना है जब आपको पता है 539 का पास और इमीडिएट एंट्री कर सकते हैं तो एग्ज़िट होता है 570 का पास। और इसका जो कॉल राइटर्स है जब इसमें एक्टिव का पार्ट देखा तो आपको 550 का पास बहुत ज़्यादा एक्टिव है और दूसरा 560 का पास एक्टिव है
ज़्यादा 560 सॉरी 600 का बस एक्टिव है। सो 600 तक इसका आपका जरूर उसको टारगेट दे सकते 600 का। पहले टारगेट 540 से ऊपर ही टारगेट है 600 तक। सो इसका पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव होगा इसमें 570 सॉरी, जरूर ये कम होने के लिए आपको पुट राइटर्स भी 520 का पास एक्टिव है। सो कॉल राइटिंग ऐसा बोल रहा तो वो ये काम करना है इसमें, जब तुरंत एक्टिव कर सकते इसमें एंट्री कर सकते और एग्जिट पॉइंट 570 होगा आपको, पहले एग्जिट पॉइंट है बोले तो SAP का माध्यम से आप एंट्री करना, आपको 540 का पास तुरंत यही स्टॉक में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।